नमस्कार। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में दिव्यांगताओं की एक श्रेणी जुड़ी, 21 में से एक है मेंटली इल या मानसिक रोग से ग्रसित लोग। अगर आप देखें तो सबसे पहली जो मॉडर्न इंडिया, अगर आप समझें, उसमें जो एक्ट बनी थी दिव्यांगों के लिए, वो है इंडियन लूनेसी एक्ट, जो कि ब्रिटिश राज में बना था 1912 में। और 1912 में ये एक्ट बनने के बाद फिर कई नियम आए। तो ऐसा हम लोगों को पढ़ाया जाता है, और हम लोग मानते हैं कि सबसे पहला जो काम हुआ वो मानसिक दिव्यांगों के लिए 1912 में शुरू हुआ। उसके पहले तो कुछ था नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो तमिलनाडु, जहाँ अभी हैं हम लोग, वहाँ के लगभग कई मंदिर पारसी हैं, शोलिंगलूर, वहाँ के मंदिर के नक्काशियों में ये बताया जाता है किस तरह मानसिक रोगियों का वहाँ इलाज उपचार होता था। वैसे ही अगर आप देखें तो गुणशैलम के मंदिरों में भी नक्काशियाँ आती हैं, जहाँ की ये बताई जाती है कि मानसिक रोगियों का इलाज होता है। और तिरुमुक्कड़ल के मंदिरों में तो विशेष बताया जाता है किस तरह से इलाज होता है, चाहे वो घी के द्वारा हो, तेल के द्वारा हो, या अलग अलग दवाइयों के द्वारा हो। इसकी सबसे पुरानी जानकारी जो मिलती है वो चोला नाडु में मिलती है, या जो चोला डायनेस्टी थी तमिलनाडु की, जो कि गंगा से लेकर यहाँ श्रीलंका तक और उधर मलेशिया तक अपना विस्तार किए हुए थे, और चाइना के साथ, तिब्बत के साथ संबंध अच्छे, व्यापारिक भी थे उनके। तो उनके जो बड़े राजा हुए, जैसे कि वीर राजेंद्र देव और राजा राजंत्री, जो कि 11वीं शताब्दी के हुए, उन लोगों ने विशेषकर मानसिक रोगियों के लिए प्रावधान बना रखा था। और दस्तावेज मिलते हैं जिसमें कि एक 15 बेड का अस्पताल बनाया गया है मानसिक रोगियों के लिए, जहाँ की एक वैद्य हुआ करता था, एक शल्य चिकित्सक या सर्जन हुआ करता था, जहाँ की नर्स होते हैं, मेल नर्स होते हैं, फीमेल नर्स होते हैं, जहाँ पर कि रात भर दिया जलाए रखने का निर्देश था, अंधेरा ना रहे इस तरह का निर्देश था, जहाँ पर कि वॉशरमैन या धोबी भी हुआ करता था अलग से, नाई हुआ करता था अलग से, और कुम्हार हुआ करता था जो कि व्यवस्था करता था भोजन बनाने के पात्र के लिए, खाने के पात्र के लिए। ये सारा का सारा विस्तार में जानकारी है। उपचार के लिए कई तरह की चीज इस्तेमाल में लाई जाती थी। घृतम, घी, जिसमें की कई चीजें मिलाई जाती थी। तैलम, तेल, जिसमें की कई चीजें मिलाई जाती थी, वर्णना है। जलम, पानी, जिसमें की कई चीजें मिलाई जाती थी और दी जाती थी। कल्याण लवणम, जिसमें भी कई चीजें मिलाई जाती थी और दी जाती थी। और यह भी बोला जाता था कि कल्याण लवणम हकलाने के लिए, स्टटरिंग के लिए, कल्याण लवणम एपिलेप्सी के लिए और मेंटल इलनेस के लिए उपचार में खूब लाया जाता था। यह भी बताया गया है कि ब्राह्मी आज भी इस्तेमाल होता है, ब्राह्मी उपचार में लाया जाता था। हरितकी या हरड़ उपचार में लाया जाता था, है ना। कदाचित कुपिता माता ना कुपिता हरितकी, ऐसा लिखा था। मतलब माँ कभी कभी नाराज हो जाएगी, पिटाई कुटाई भी कर देगी, लेकिन हरितकी या हरड़ कभी भी खराब नहीं करता। तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता था मानसिक रोगियों के साथ। तो कई एक काम किए गए चोला नाडु में या राजा चोल द्वारा। एक विशेष जो कि चोल के समय का है वो है ये नटराज की मूर्ति, जो कि ब्रॉन्ज नटराज की मूर्ति है, जो कि लगती। इस नटराज की मूर्ति को अगर आप देखें तो कई चीजें हैं, कई गहरे राज हैं इसमें, लेकिन मानसिक दिव्यांगता या मानसिक रोग को लेके जो एक विशेष बात है, यहाँ नीचे एक बौना या बालक वाले शरीर वाला व्यक्ति, जिसका सर राक्षसों जैसा या बड़े व्यक्ति के जैसा है, वो दिखाया गया है, जिसके हाथ में एक नाग सर्प है। इसे अपस्मार पुरुष बोलते हैं या मुवेला का भी बोलते हैं। और इस अपस्मार पुरुष की विशेषता ये बताई जाती है कि ये बेवजह बहुत बातें करता है, जैसे कि पागल करता है। ये बड़ा कम याददाश्त रखता है, यानी कि वही वही गलतियां बार बार करता है, जैसे कि पागल करता है। और अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है ना, सर दानव वाला या बड़ों का सर है और शरीर बड़ा छोटा है, तो बड़ा बुद्धिमान भी समझता है। तो घुमा फिरा के मनुष्यों के जितने लक्षण हैं वो सारे बताए गए हैं। अगर तप के माध्यम से, ये जो सर्किल ऑफ फायर बताया जाता है ना, अपने जो जो हम कर रहे हैं उसे अगर हम होश में देख लें, और उस वो तप के माध्यम से, तप जाइए ना, फ्लेम्स दिखाए गए हैं, तप के माध्यम से अगर हम
इस कुचक्र से या दुष्चक्र से बाहर निकलना है कि बार बार वही सोचना वही करना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम बोलते ना आदि शंकराचार्य, उससे बाहर अगर निकल जाए तो शिव प्रकट होते हैं। नटराज की जो मूर्ति है ये भी चोला राजाओं ने ब्रोंज में और पंच धातु में बनवाया था। तो विशेष योगदान है चोल राजाओं का और तमिलनाडु का मानसिक रोगियों के लिए और इंसानियत की तरफ भी। बहुत बहुत धन्यवाद।